हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 12 फरवरी, तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। तो कौन सी डेट को ये इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता हर साल। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 11 फरवरी। कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इसको ऑब्जर्व करने का कि टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। ओके, ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 फरवरी को। थीम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी में अभी तक हमने 2 फरवरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो याद रखना है। 4 फरवरी का वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया हमने। देन उसके बाद 10 फरवरी को हमने वर्ल्ड पल्सिस डे ऑब्जर्व किया अभी, एंड 10 फरवरी को ही हमने नेशनल डीवॉर्मिंग डे ऑब्जर्व किया, एंड 11 फरवरी का इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व किया, तो ये याद रखिएगा। सेकंड करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड टू रीनेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद में, इसका नाम बदलने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी। नाउ आपको बताना है इसका नाम क्या रखा जाएगा, न्यू नेम। द न्यू नेम विल बी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अरुण जेटली जी हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अटल अरुण जेटली जी, इनके नाम पे इनको लाइक ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए इनका नाम रखा जाएगा। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जितने भी हमारे लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उन सबको ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद में, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुई थी। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दिस स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग हैज़ ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, टू कंजर्व द स्ट्राइकिंग फॉरेस्ट बर्ड हॉर्नबिल। ओके, एंड टू प्रमोट द टूरिज्म, लाइक द वहाँ की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दिस स्टेट हैज़ ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल, द स्टेट इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। ओके, अपने आपको याद जरूर आ रहा होगा कि नागालैंड भी ये फेस्टिवल ऑब्जर्व करता है। ओके, नाउ इन दिस टाइम, इस बारी त्रिपुरा ने इसको ऑब्जर्व किया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। अबाउट दिस स्टेट बेसिक डिटेल्स, कैपिटल इज अगरतला, विद द हेल्प ऑफ मैप भी आप देख सकते हो, ये छोटा सा हमारा आ गया जी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा त्रिपुरा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिपुरा, आपको यहाँ पे बड़ा भी दिख रहा है। कैपिटल इज अगरतला, सीएम इज बिप्लब कुमार देव, गवर्नर इज रमेश ब्यास, एंड ऑन 21 जनवरी 1972 द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, तीन स्टेट्स का फाउंडेशन हुआ था सेम डे, बिकेम फुल फ्लैश स्टेट्स बने थे अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। तो ये सारे डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ओके, एक चीज़ और यहाँ शेयर करूँगा, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो, एंड चैनल पे अगर आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, एंड आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। अगर वीडियो पसंद आए, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो उसको लाइक करके शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। What is the name of Indian origin scientist who is leading the research team to develop coronavirus vaccine? Okay, तो यू नो कि coronavirus कितना ज़्यादा है चाइना में फैल रहा, हमारे इंडियन स्टेट्स में भी कुछ पॉजिटिव केसेस इसके पाए गए। नाउ इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च कर रहे हैं, काम चल रहा है, एंड इस रिसर्च टीम को लीड कर रहे हैं हमारे लाइक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, यही पूछ रहे हैं कि इनका नाम क्या है जी। करोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए काम चल रहा है, SS Person इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चाइना में काफ़ी ज़्यादा इसके केसेज एंड अराउंड 1000 लोग तक अपनी जान गंवा चुके हैं ड्यू टू दिस वायरस, दैट इज़ करोना वायरस। ओके, SS Vasan इज़ द करेक्ट आंसर, एंड बाकी ऑप्शन जितने भी इंपॉर्टेंट, काम्या कार्थी केमान, लाइक ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल बताया था कि लाइक यंगेस्ट एवर गर्ल बनी थी, शी इज़ ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, एंड इन्होंने कॉन्कर किया था
साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट एकोनगा। ओके बाय मिस्टेक मैंने साउथ अफ्रीका बोल दिया था, साउथ अफ्रीका बोल दिया था, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। माउंट एकोनगा साउथ अमेरिका में। ओके तो वो आप याद रखिएगा। काम्या कार्तिकेनन ये आपको बता चुका हूँ मैं, मुंबई से 12 इयर्स ओल्ड। एंड मोहम्मद अली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट बायोपिक बन रही है हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनका जो रोल प्ले करने वाले वो है मोहम्मद अली। ओके जोक्यून फिनोक्स इन्हें अभी ऑस्कर दिया गया फॉर बेस्ट एक्टर 2020, ऑस्कर 2020 से सम्मानित किया गया जोक्यून फिनोक्स को। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं। किसी इंडियन स्टेट द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का स्टार्ट किया गया, जिसमें एनुअल असिस्टेंस दी जाएगी 6,000 रुपये सालाना पूर फैमिलीज़ को, नीडी फैमिलीज़ को। सो यू हैव टू आंसर कि कौन सी इंडियन स्टेट में इसे लॉन्च किया गया था। स्टेट इज़ हरियाणा एंड दिस वॉज लॉन्च्ड बाय वहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर। इसमें क्या कि जिसकी फैमिली की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है एंड इनके पास 5 एकड़ से लैंड कम है, तो उनको सालाना 6,000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अंडर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। ओके स्टेट के सीएम मनोहर लाल बता चुका हूँ एंड द गवर्नर ऑफ द हरियाणा इज सत्यदेव नारायण आर्य। पूरे साल भर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक के 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर इन दिस स्पेशल पीडीएफ को मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर इसको परचेज करें एंड इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। दिन किसी इंडियन स्टेट द्वारा इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, जो भी इंटर्नशिप पे जाएगा 6 महीने के लिए, चाहे आप 12th पढ़ते हो, 10th पढ़ते हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप 6 महीने किसी भी टेक्निकल कोर्स के लिए इंटर्नशिप पे जाते हो तो आपको गवर्नमेंट 2500 रुपये मंथली भी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक ऐसा, कौन सी इंडियन स्टेट ने ऐसी घोषणा की, अनाउंस किया जी इंटर्नशिप स्कीम फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, द स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। ओके अबाउट दिस स्टेट बेसिक डिटेल्स विद हेल्प ऑफ दिस स्लाइड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें इन डिटेल आपको मिल जाएंगी। यूपी सबसे ज़्यादा शुगर केन यूपी में ही मिलता है एंड पॉपुलेशन वाइज यूपी ही है हमारे इंडियन कंट्री का सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में ही है। ओके अबाउट दिस डिटेल एस्टैब्लिशमेंट डे फाउंडेशन इज 24 जनवरी 1950। दुधवा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन एक बुक रिलीज़ की गई भी हाल ही में, गांधी हिंदुज़म द स्ट्रगल अगेंस्ट जीना इस्लाम। सो दिस आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी हाल ही में इस बुक को रिलीज़ किया गया था। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इस बुक के ऑथर कौन है। ओके तो ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ एम जे अकबर। ओके इस बुक के ऑथर एम जे अकबर, गांधीज हिंदुज़म द स्ट्रगल अगेंस्ट जीना इस्लाम इज़ द बुक नेम। नाउ इम्पॉर्टेंट इसमें डब्ल्यू वी रमन द विनिंग सिक्सर, आई होप आपको याद है, नरेंद्र मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स बुक जिसका ब्राइल वर्जन अभी रिलीज़ किया गया था थावरचंद गहलोत द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत द्वारा, एंड जस्टिस रंजन गोगोई जो हमारी कंट्री के 46 चीफ जस्टिस थे उनकी भी एक बुक है कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है एम जे अकबर। गिरिराज किशोर पास्ड अवे, इनका निधन हो गया जी। ही वॉज द रिसिपियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, तो कौन से अवार्ड्स इन्हें सम्मानित किया गया था जिनका अभी निधन हो गया अभी हाल ही में। सो पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, नोटिस्ट नोवलिस्ट थे, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी, व्यास सम्मान से भी। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ई, ऑल और करेक्ट। ओके काफ़ी फेमस इनकी एक नॉवल थी पहला गिरमित्या, जो इन्होंने गांधी जी की लाइफ पर आधारित लिखी थी, गांधी जी की लाइफ पे लिखी थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ओके तो ये आपको याद रखना है एंड इनका नाम क्या जो गिरिराज किशोर, इनका निधन हो गया। ओके देन अरमांड ड्यूप्लेंटिस ब्रेक्स पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड था। नाउ स्वीडन के अरमांड ड्यूप्लेंटिस ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके अब ये रिकॉर्ड था क्या, देखो आपको बताने की, आपने ये गेम देखा ना, एक फ्लेक्सिबल पोल होता है तो जो भी प्लेयर होता है वो दौड़ते दौड़ते आता है तो उसकी हेल्प से जंप लेता है एंड एक जगह से दूसरी जगह हाइट से जंप करता है। सो ये इन्होंने जंप किया जी, ठीक है, जो पहला रिकॉर्ड था वो था 6.16 मीटर का। नाउ ही हैज़ ब्रेक द रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड बन गया 6.17 मीटर्स का। ओके 6.17 मीटर इन्होंने हाइट कितना जंप करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पहला रिकॉर्ड था जी यूक्रेन के
रिनॉल्ड लेविलिनी का, बट अब नाउ द रिकॉर्ड अभी किसके नाम हो गए, अरमांड ड्यूप्लैंटिस के नाम ये रिकॉर्ड बन चुका है। ओके, तो ये याद रखना, ये स्वीडन के, इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ओके, देन कोल मिनिस्ट्री लॉन्चेस वेब पोर्टल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ माइंस इंडिया। तो माइंस को स्टार रेटिंग देने के लिए विद हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड करना है, लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव भी, जो भी अच्छा काम करेगा, लाइक जो भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड, लाइक जिस भी पोल्यूशन कम फैलाएगा उसको 5 स्टार, उसी हिसाब से स्टार रेटिंग दी जाएगी। सो एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया बाय कोल मिनिस्ट्री। ओके, कोल मिनिस्टर कौन है जी, जो हैं जी, किस यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल ऑफ, लाइक द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है जी, प्रहलाद जोशी, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, देन उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ऑनरेबल मेंबरशिप, लाइक ऑनरेबल मेंशन इन्हें लाइक सम्मान दिया गया, फॉर दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि किसी इंडियन को ये ऑनरेबल मेंशन दिया गया। आपको बताना है कि इनका नाम क्या जी, ये बैडमिंटन टीम के कोच पोलेला गोपीचंद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाम याद रखिएगा। देन उसके बाद प्रियम गर, ये तो आपको पता है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है अंडर 19 के। इगोर स्टैमिक फुटबॉल टीम के कोच हैं हमारी इंडिया के। ग्रहम रीड ये हॉकी टीम के कोच हैं। ओके, तो ये सारे डिटेल्स, इसका जो करेक्ट आंसर पुलेला गोपीचंद। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू इज, 13वां एडिशन अंडर 19 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीत लिया? तो ये बताओ किसने जीत लिया, कहाँ पे हो रहा था, कौन सी कंट्री ने किसको हराया, ये सारी डिटेल आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अगर आप अच्छा लग चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया अभी तक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।